काउंसिल की हाल ही में हुई बैठक में जीएसटी नियमों में कई बदलाव किए गए थे। ये बदलाव 18 जुलाई से लागू भी हो गए हैं। इनमें किराए पर जीएसटी से जुड़ा नियम भी शामिल है। जीएसटी के नियमों के मुताबिक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर लेकर रहने वाले किराएदारों को रेंट के साथ 18% जीएसटी भी देना होगा, लेकिन इसके साथ कुछ नियम भी लागू किए गए हैं। आपको बता दें, किराए पर टैक्स कुछ खास परिस्थितियों में ही लगेगा। अगर आप नौकरी करते हैं और आपने कोई फ्लैट किराए पर ले रखा है तो आपको किराए पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये नियम उन किराएदारों पर लागू होगा जो किसी बिजनेस के लिए जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं। पहले जो नियम था उसके मुताबिक कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे कि ऑफिस या रिटेल स्पेस जैसी जगहों को किराए पर लेने पर ही लीज पर जीएसटी लगता था। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को चाहे कोई कॉरपोरेट हाउस किराए पर ले, कोई सामान्य किराएदार, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगता था। लेकिन नए नियम के मुताबिक जीएसटी रजिस्टर्ड किराएदार को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स भरना होगा। वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत डिडक्शन दिखाकर जीएसटी क्लेम कर सकता है। आपको ये भी बता दें कि 18% जीएसटी तभी लागू होगा जब किराएदार जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हो और जीएसटी रिटर्न भरने वाले कैटेगरी में आता हो। नए नियम के तहत रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराए पर लेकर वहां से अपना बिजनेस चलाने वाले किराएदार को 18% टैक्स देना होगा। जीएसटी कानून के तहत रजिस्टर्ड किराएदार की श्रेणी में सामान्य और कॉरपोरेट संस्थाएं सब आएंगी। सालाना टर्नओवर निर्धारित सीमा से ऊपर पहुंच जाने पर बिजनेस मालिक को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। निर्धारित सीमा क्या होती है ये बिजनेस पर निर्भर करता है। सेवाएं दे रहे बिजनेस मालिकों के लिए सालाना लिमिट 20 लाख रुपए का टर्नओवर है। वहीं सामान बेच रहे या फिर सप्लाई कर रहे बिजनेस मालिकों के लिए ये लिमिट 40 लाख रुपए है। हालांकि अगर ये किराएदार उत्तर पूर्वी राज्यों या विशेष दर्जा प्राप्त वाले राज्यों में रहते हैं तो उनके लिए टर्नओवर की निर्धारित सीमा सालाना 10 लाख रुपए है। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक के बाद लागू इस नए बदलाव का असर ऐसी कंपनियों या व्यवसायियों पर पड़ा है जिन्होंने अपने बिजनेस के लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट या लीज पर लिया है। वहीं ऐसी कंपनियां भी इस लागत को वहन करेंगी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराए पर लेकर इसे गेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल करती हैं या फिर कर्मचारियों के लिए रहने की जगह उपलब्ध कराती हैं। कर्मचारियों को मुफ्त में रहने की जगह देने वाली कंपनियों पर इससे एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।